हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज 26 जनवरी है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। आज का दिन एकदम जोश भरा दिन है। आज का दिन एक प्राइड और रिस्पेक्ट देने वाला डे है। आज का दिन मेमोरेबल डे है सारे शहीदों के लिए, आजादी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। एक ऐसा दिन है जो हम सब बहुत खुशी से मनाते हैं, इकट्ठा मनाते हैं, और बहुत सबके लिए ये डे बहुत इंतजार करने वाला दिन होता है। स्पेशली जब स्पीच सुनने का जब दिन आता है, जब नरेंद्र मोदी जी स्पीच बोलते हैं, आज क्या भाषण देने वाले हैं, आज क्या योजना बोलने वाले हैं, तो ये सारा एक्साइटमेंट भी बहुत रहता है। साथ में वो जो पेट्रियोटिक सॉन्ग जो सुबह उठते ही सुनते हैं, मैं तो आज स्कूल में जाते ही फ्लैग होस्टिंग कर लिया और बेहतरीन सा दिन शुरुआत की है। और इसी बेहतरीन दिन से ही आज स्पीच तो एक बनती है, इसीलिए आई एम देयर इन बैक टू यू ऑल टू एड्रेस यू ऑल ऑन दिस 26 जनवरी। मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक इंटरेस्टिंग बात आज कहने वाली हूँ। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम पूजा अंजनीकर है गाइज। 73 ईयर्स पहले हमें इंडिपेंडेंस मिला था, और सभी को पता है कि इंडिपेंडेंस किस तरह मिला था। वो जो जोश था उस वक्त का, वो जो एक अंदर से कि हमारे घर पे कोई गुस्सा है और सभी मिलकर एक यूनाइटेड नेशन बन के, यूनाइटेड होकर सभी मिलकर हम फाइट किए थे। सो आज इस दौर पे जब हम 2020 पे आए, हम सब मिलके दोबारा लड़ रहे हैं कोरोना से। हम सब लोग लड़ रहे हैं बहुत सारे चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स से। सबसे पहला मेजर चैलेंज अभी जब कोरोना के बाद लोगों के पास आया है, वो है जॉब जाना। जॉब जाना, उसके बाद सिक्योरिटी। हर कोई जो भी मुझे मिलता है सबसे पहले ये बोलता है, कल का क्या गारंटी है? तो कल की क्या गारंटी, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत सारा नेगेटिविटी लेकर आता है, बहुत सारा डिससेटिस्फेक्शन लेकर आता है, बहुत सारा ऐसे इस मोड़ पे लाके रख देता है कि आज में जियो, आज में जियो। जब आज में जीते हैं तो कल का होप जो है वो कहीं चले गया है। हम पहले से जब प्लानिंग करना सिखाते हैं या हम सेविंग करना सीखते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कल के लिए कीजिए, आज बेटर कीजिए, जो आपका कल बेटर होगा, ये सारी चीजें हम बचपन से सीखे हैं। बट कोरोना के आने के बाद से ये जो वर्ड आ गया है कि कल का क्या भरोसा, कल क्या पता तुम रहोगी, मैं रहूंगी, मैं रहूंगा, ये सारी चीजें जो है ना, इसके कारण डीमोटिवेशन बहुत आ गया है। एक डीमोनेटाइजेशन का सेक्शन था और अभी डीमोटिवेशन आ गया है। तो ये डीमोटिवेशन जो है इस 26 जनवरी के बाद निकाल दीजिएगा, क्योंकि 26 जनवरी के बाद से अगर आपने अगर वो लोगों का एक सेक्रीफाइस देखा है, तो आपको ये देखना है कि करुणा ने भी, हमने बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस किया है, और इसके बाद एक नई रोशनी आई है, न्यू सनराइज आया है। बेटर थिंग इज यू नो कि आप रोज रात को जब आप सोते हो तो सुबह सुबेरे को एक नए होप से शुरुआत कीजिए। कुछ भी नहीं होने के बाद भी एक छोटी सी रोशनी कृष्णा देता है, एक छोटी सी बूंद की लाइट जो है वो भगवान देता है हमें, और उसी को पकड़ के हमें आगे दौड़ना है, आगे बढ़ना है। मैंने बहुत टाइम पहले एक गेम देखा था जिसमें ऐसा था कि अगर आप फेल हो गए तो आपको शूट किया जाएगा। तो ऐसे ही है कि लाइफ में अगर आप रुक जाओगे तो आपको कोई ना कोई तो शूट जरूर करने वाला है। तो लाइफ जो है वो तो चलती रहनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज के दिन में हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। दूसरी एक बात जो मैंने नजर की, आज 26 जनवरी के दिन हम सब यूथ मिलके ये जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है उसे हम चेंज कर सकते हैं। ये एक सोसाइटी जो थी पिछला 80s 70s 60s 50s के जो जनरेशन थी, उन जनरेशन ने एक नए जनरेशन जैसे था ना कि हमारे 50s 60s के जो बर्थ वाले जो पेरेंट्स थे, उन्होंने एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो उनसे पहले के जनरेशन से जो माइंडसेट बनाई गई थी, जो रिचुअल्स बनाए गए थे, जो ट्रेडिशनल्स बनाए गए थे, और उसके बिलीफ सिस्टम जो बनाई गई थी, उस बिलीफ सिस्टम का कहीं ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ था कि ये क्यों कर रहे हैं। बस जनरेशन टू जनरेशन हम करते आए। जैसे हमारे ही कम्युनिटी में हमें शादी करनी है, या
लड़का हमेशा हमसे बड़ा ही होना चाहिए, लड़की छोटी ही होनी चाहिए, या घर पे मेजर कमाने वाला लड़का ही हो, या लड़कियों को चूल्हा चोखा करना चाहिए, लड़कों को किचन में नहीं आना चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत सारे साल पहले ये बनाए गए थे, क्योंकि एक नजर में था कि जो मस्कुलर फोर्स होता है या जो स्ट्रेंथ होती है वो सिर्फ मेल के पास होती थी, इसलिए दूध पिलाया जाता था मेल्स को, अच्छा पोषण भरा खाना मेल्स को दिया जाता था, बहुत ज्यादा हैवी वर्क जो होता था वो मेल्स करते थे, और डोमेस्टिक वर्क जो होता था, जो छोटा मोटा इधर उधर का घर का काम जो था वो लेडीज को दिया करते थे, और लेडीज को खाना खाते वक्त भी अलग फूड हुआ करता था। तो इसी को आगे बढ़ते बढ़ते हमारे, अभी तो खैर आई कुड से 40% लोग चेंज हो गए हैं, बट फिर भी आज भी आप देख सकते हो घरों घरों में प्रोफेशन चुनते वक्त भी लड़कियों के लिए अलग प्रोफेशन, लड़कों के लिए अलग प्रोफेशन, शादी करते वक्त भी लड़की को कम्युनिटी में देना है, कम्युनिटी की लड़की घर पे लाना है, बड़ी लड़कियों से शादी नहीं करना है, छोटी लड़कों से, अगर छोटा लड़का है तो देर आर मेनी थिंग्स विच इज गोइंग ऑन, और हमें एज अ यूथ हमें उसको चेंज करना है। तो ये जो हर साल जब हम 26 जनवरी हो गया या 15 अगस्त हो गया, जो हर बार हम ये सब चीजें मनाते हैं, इसके साथ एक अपने साथ एक न्यू रेजोल्यूशन बनाइए, एक न्यू प्लान बनाइए, एक एक न्यू अंदर से होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लगभग 2019 में मैंने ये अपने आप को कह दिया था कि मैं कहीं पर भी कचरा, बाहर जब जाती हूँ तो कचरा नहीं फेंकूंगी, एंड स्टिल नाउ आई एम फॉलोइंग इट। और साथ में मैंने अपने बच्चों को भी, स्कूल के बच्चों को भी मैंने यही सिखाया कि अगर आपको बाहर कचरा दिखता है, आप खुद से गंदा मत करो, आप क्लीन नहीं कर सकते ठीक है, आप खुद से गंदा मत करो, यही चीज मैंने की। उसके बाद लास्ट ईयर आई स्टार्टेड विथ ऑलमोस्ट 2016 से मैंने मेरे बर्थडे के वक्त ट्री प्लांटेशन शुरू किया। एवरी ईयर मेरे बर्थडे पे मैं ट्री प्लांटेशन करती हूँ, और साथ में अगर मौका नहीं मिला तो मैंने बहुत सारे मेरे ही सराउंडिंग में मैंने प्लांट्स ग्रो किए हैं। सो दिस इज व्हाट स्मॉल स्मॉल चेंजेस यू कैन डू फॉर योर ओन सेल्फ, और इसी से नेशन बिल्ड होगी। सेम वे जब आप ऐसे स्टेज पे हो जहां पे आप ग्रो अप कर रहे हो, अपने आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी देख रहे हो, तो उनको पहले ये समझा दीजिए, कुछ बिलीफ सिस्टम को तोड़ना बहुत जरूरी है। कि देयर आर टू, अगर हम जेंडर्स बात करते हैं तो जब बेटा जितना जरूरी है उतनी बेटी भी जरूरी है, बेटे को जो खिला रहे हो वो बेटी को भी देना है, बेटी की जो पढ़ाई है वो बेटी की भी है, दोनों की करियर चॉइसेस एक जैसे होनी चाहिए, चीजों शौक वो सब जो एक जैसा आप रखिए वो भी आपके बच्चे हैं, जेंडर से किसी की तुलना न कीजिए। तो ये चीजें हैं जो आपको आने वाले टाइम में अगर आप चेंज करोगे, हम और आप, इट्स नॉट विथ सिर्फ आप लोग ही, मैं भी और आप भी एक नए नए छोटे छोटे डिसीजंस लेके लाइफ में कुछ नए चेंजेस ला सकते हैं। सो दिस इज दैट। और दूसरी बात, सेविंग तो खैर हर कोई करता है, बट मैं चाहती हूँ एक छोटा सा हिस्सा अपने लाइफ का आप सेविंग कीजिए जहां पर आप अपने सोसाइटी को दे सकते हो। जैसे हम इमरजेंसी फंड्स बनाते हैं, जैसे हम बच्चों के लिए फंड्स बनाते हैं, वैसे एक छोटा सा फंड आप सोसाइटी के लिए बनाइए, एक छोटा सा योगदान आपके सोसाइटी, मंथ का एटलीस्ट आप 1,000 रुपीज तो अपने सोसाइटी के लिए करके आप साइड में रखोगे ना, वो ही आप देखोगे आपके एक टाइम पे जब भी आपको कुछ सोसाइटी के लिए करना होगा तो वही पैसे आपको काम आएंगे। तो दिस इज व्हाट यू कैन फॉलो, हर एक पर्सन अगर सोसाइटी के नाम पे एक कुछ तो अगर पैसा रखेगा तो आने वाले टाइम में सोसाइटी में जरूरत जरूर पड़ सकती है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान लगेगा, बट ये चीजें जो है बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, बहुत सारे बदलाव लाती है, और मैं एक एजुकेशन सेक्टर से होने के कारण मेरा तो ये परम ड्यूटी बनती है कि मैं गलत जहां हो रहा है या मेरे आने वाले यूथ को, मेरे बच्चों को, जो जो इतने सारे फॉलोअर्स हैं मेरे स्कूल के बच्चों को, मेरे जितने भी लोग जो है सुनते हैं मुझे, बहुत चाव से सुनते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव होके मुझे रिप्लाईज भी देते हैं, तो मेरा ये ड्यूटी बनता है कि जब मेरे लाइफ में जो मैं चेंजेस ला रही हूँ मैं उनको भी ये सारी चीजें बताऊं ताकि वो अपनी लाइफ को भी चेंज कर सके। तो दिस इज लाइक आई सेड कि एक इट इज अ बीन ऑफ लाइट व्हेन कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एनी टाइम। आप अपनी लाइफ कभी भी
बदल सकते हो अगर आप चाहो तो, और ये छोटी छोटी चीजों से ही चेंज होगा। फोर्थ थिंग है कि जैसे मैंने बताया कि आप अपने कुछ रेजोल्यूशंस कर रहे हो, वैसी एक रेजोल्यूशन ये भी करना है कि हेल्दी खाना है, हेल्दी चूज करना है। आने वाली जनरेशन को बच्चा पैदा होते ही उसके हाथ में लॉलीपॉप दे देना, या उसके हाथ में पैकेट्स का जो स्नैक्स है वो दे देना, या कुछ ऐसी चीजें जो उसकी स्टमक को खराब करे, उसके हेल्थ को खराब करे, ये हमें रोकना है। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो मैंने देखा है कि बच्चे का डिमांड पूरा करने के चक्कर में वो कुछ भी दे देते हैं, वो देखते भी नहीं कि बच्चा रो रहा है तो उसको हम कुछ भी कैसे दे दे। वी नीड टू कीप अवर इमोशंस असाइड व्हेन वी आर ट्रीटिंग टू अ स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि वो आपका यूथ है, आपका बेबी है, आप उसको कुछ भी खिला नहीं सकते हो। आपको ये देखना है कि जो खाना आपको आपके स्टमक में जाके वो पॉजिटिव चेंज होता है, आपको हेल्दी बनाता है, अगर वो ही खाना अगर बच्चों को दोगे तो आपका बच्चा भी कल को हेल्दी बनेगा, कितना सारा मेडिकल जो पैसा बचता है वो बचेगा। ये जो है ये चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। जैसे अगर बच्चा जिद कर रहा है, मैंने भी मेरे घर पे भी ये होता है कि बच्चा जिद कर रहा है तो तुरंत टॉय ला कर दे देते हैं, तुरंत जो चाहिए उसको ला कर देते हैं, क्योंकि वो चीखता है चिल्लाता है और उसके चीखने चिल्लाने के कारण हम इमोशनल हो जाते हैं और उसको चुप करने के लिए हम उसको चीजें दे देते हैं, जैसे मोबाइल दे दे, कुछ भी खाने दे देना, जरूरत नहीं होने के बावजूद भी कुछ भी लाकर दे देना। तो ये सारी चीजें आप बच्चे को कुछ अच्छा लाइफ नहीं दे रहे हो, बच्चों की लाइफ खराब कर रहे हो, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। आप बहुत सारे मदर्स जो है इसको समझते हैं पर क्या करते हैं, इमोशनली बॉन्ड इतना ज्यादा है कि वो हार्ड डिसीजंस नहीं ले पाते। तो हमें भी ये सोचना है कि हमें कुछ हार्ड डिसीजंस लेने हैं। तो आज मैंने इस टॉपिक पे तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। 26 जनवरी के दिन पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में जाते जाते मेरे वो सब्सक्राइबर्स के लिए जो मुझसे मराठी में बात करना चाहते थे, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि एक टॉपिक आप मराठी में जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आप जो इंग्लिश में टॉपिक्स बोलती है हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि दूर दराज गांव में भी कहीं कहीं लोग मुझे सुनते हैं, महाराष्ट्र कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ तो लोग मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो उनके लिए आज 26 जानेवारी है, गणतंत्र दिवस की सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा, आणि स्वस्थ रहा, मस्त रहा, जे सांगितले ते लक्षात ठेवून प्लीज करा, कारण हे तुमच्या बेटरमेंट साठी आहे, तुमच्या फ्युचर साठी आहे, माझ्या फ्युचर साठी आहे, आणि एक एक स्टेप आपल्या लाईफ चे चेंजेस आपण लावू शकतो। आणि आय डोंट नो, आय एम लिटल चेंजिंग द लँग्वेजेस इज व्हेरी डिफिकल्ट, या ओके। सो गाईज, लेट्स कमिंग बॅक, व्हॉट एव्हर आय एम बीन सेड, प्लीज फॉलो दॅट, स्मॉल स्मॉल थिंग्स विल रिअली चेंज युअर लाईफ, अँड डू कीप वॉचिंग मी। व्हेरी हॅपी ब्लेस्ड डे टू ऑल, प्लीज एंजॉय द डे, सिर्फ हॉलीडे करके मत मनाइएगा, कुछ कॉन्क्रीट भी कीजिएगा, कुछ ऐसा कीजिए जो हमें हमेशा याद रहे। ये जो स्पेशल स्पेशल दिन है ना, जैसे बर्थडे हो गया, न्यू ईयर हो गया, एनिवर्सरीज हो गई, ये नेशनल फेस्टिवल्स हो गया, ये दिन ना हमें कुछ ना कुछ तो मेजर स्टेप्स जरूर लेने पड़ते हैं, वरना तो रेगुलर लाइफ तो हम जीते ही है। सो रेगुलर लाइफ से थोड़ा सा टर्न करके ऐसी लाइफ में भी जरूर आइएगा, ये छोटे छोटे स्टेप्स अपने लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलूंगी दोबारा, जरूर सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।